घंटा के बाद उठना हम लोग को ढाई घंटा पहले सोचने नहीं है चले आइए पानी लाइट वाले पी लीजिए ठीक ना। हम लोग देंगे राज्यसभा, क्या देंगे राज्यसभा देंगे ठीक ना, क्या देंगे राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकांश सदस्य संख्या कितना हो सकता है 250 कितना दे बहुत अच्छा युवकों पर पाकिस्तान के कब्जे के कारण वर्तमान समय में केवल 245 इसके कारण युवकों के कब्जा के कारण वर्तमान समय में कितना 245 हो सकता है कितना 250 ठीक है। सुराम साहेब पहले नहीं बोलिएगा, बाद में बोलिएगा, प्लस पर बोलिएगा, अब पहले तो क्या बोलते हैं अच्छा जाता है ना, फिर समझ में आता हम लोग को मजा। आगे देखिए अगर बोलना किताब डीजेम करते हैं सवाल जवाब फिर बोलिए तो मजा आएगा, ऐसा नहीं जी बात कर दीजिए फिर बोलकर हम भी बात कर देंगे, ऐसा नहीं कि हम देखेंगे समझ रहेगा ना, ये विचार करते हैं हम भी बात में नहीं यहाँ सब आ जाएगा दोनों का आएगा, एक माइक आपको भी दिया जाएगा एक माइक मेरे पास चलेगा, हम लोग बात कर लिए ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा बार बार हम बोल रहे हैं जिसको। अब देखिए आप संसद जितना बैठे नहीं यहाँ उससे ज्यादा ज्यादा लाइव वाला काफी अच्छे से पढ़ लिखे अच्छे तरीका से पूरा मेल कुछ लेकर समाज करना हमारा क्या जी कसम बनता है ना। चलिए देखिए टीवी आप लोग का भी समझ रहा है 156 बेजमान 156 ऑब्जेक्टिव 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 भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं किताब में दिया है किताबी भाषा में, इसी को हम लोग बता क्या समझेंगे, इसी को बोलेंगे उच्च सदन, क्या बोलेंगे उच्च सदन, और क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे राज्यसभा के सदस्य लेना न्यूनतम आय कितना क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको शिक्षित सदन, क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे वृद्ध सदन, क्या बोलेंगे वृद्ध सदन, और क्या बोलेंगे उच्च सदन, क्या बोलेंगे उच्च सदन, ज्यादा और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्या कहते हैं अस्थायी सदन, कारण क्या है इसका इसे भी करके नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को जो अस्थायी सदन किए कारण क्या था इसे नहीं किया जा सकता देखा था। आगे देखिएगा राज्यसभा में सीटों की जो अधिकतम संख्या कितना सकती है 250 पढ़ाई कितना वर्तमान समय में 250 राष्ट्रपति द्वारा कितना मंजूर किया जाता है 12 को नजे कहाँ से लिया जाता है कला संस्कृति से। आगे देखा देखिए दस बज गया राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदन नामित किए जाते हैं वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभाग संख्या कितनी है 250 दिया अधिकतम हो सकता है 250 वर्तमान है कितना 245 यहाँ राष्ट्रपति का चर्चा करके बोलेंगे देखो राज्यसभा में प्रतिनिधि होता है क्या राज्यों का असम शासित क्षेत्रों का दादा नागर हवेलिया समय दिन का भी लेखा हुआ 26 जनवरी 2020 आज जम्मू और लद्दाख को अलग देश शासित का बना 31 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग देश शासित बना दादा नागर हवेली दमन दीप का मिला कपड़ा 2020 को। आगे देखना जिनसंघ शासित क्षेत्रों में जो था विधानसभा नहीं होता उनके प्रतिनिधि 30 प्रकार चुने जाते हैं विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक होता प्रतिनिधि के अनुसार एका संघीय हर पार्टी के द्वारा किसके द्वारा एका संघीय हर पार्टी के द्वारा राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस बात पर निर्भर करता है जी राज्य की बात कर लीजिए राज्यसभा फंसा देगा राज्य का क्षेत्रफल नहीं राज्य की जनसंख्या पर करता जिनके पास ये ऑब्जेक्टिव बुक नहीं हो तो पीडीएफ का सहारा लीजिएगा कोशिश कीजिएगा दूसरे का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रखने का ठीक ना। ऑब्जेक्टिव पुराना वाला भी आज काम चलेगा और जो था सब्जेक्टिव में नया वाला अवश्य ले लीजिए। आगे देना की राज्यसभा में जो था किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या 7 दिखा दे उत्तर प्रदेश कितना है 31 कितना 31 महाराष्ट्र कितना था 29 महाराष्ट्र 29 तमिलनाडु 18
किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिलता है किसका जी मध्य प्रदेश में राज्यसभा का बिहार पश्चिम बंगाल 16 16 ठीक है आठ प्रदेश मध्य प्रदेश में क्या आएगा आठ प्रदेश मध्य प्रदेश में क्या आएगा बिहार पश्चिम बंगाल 16 में लिख दीजिए फटाक से उड़ीसा राजस्थान में 10 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
بات سن لو آج سن لو بتا بہت بڑھیا اب آگے دیکھا کیا کہ نمرکت میں سے کس تک ساسی چھتر کا لاس سبا سے جنرد آن پاک دیت ہوتا دلیا دلیا نمرکت دنوں میں سے اسے لاس سبا میں سمان پاک پرانتا جی مقبرزار مجھا مقبرزار مقبرزار مجھا यहाँ पे लोकसभा सीट से क्या क्या चाले राज्यसभा का सोलह यहाँ पे लोकसभा से चाले राज्यसभा सोलह राज्यसभा जी सोलह अब आगे देखिए राज्यसभा में सामने प्रताप कुमार प्रदेश के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश एक उत्तर प्रदेश एक इसे नहीं उत्तर प्रदेश एक महाराष्ट्र में उनके तमिलनाडु और कहा तमिलनाडु और कहा ये नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ए कितना हो जाएगा इन सब का ए उत्तर प्रदेश एक महाराष्ट्र में उनके तमिलनाडु में कहा राज्यसभा के चुनाव है तुम्हें क्या पता व्यक्ति आयु कितने होने चाहिए कितने होने चाहिए राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितना है राज्यसभा के सदस्यों में क्या क्या अच्छे राज्यसभा के सदस्य में जाते कितने बस दे छह बस के लिए राज्यसभा के एक किया सदस्य पढ़ते कितने बस दे बस चार शिवाजी दो दे पढ़ते दो बस कितने बस दो बस क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है नहीं सकता है नहीं क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है नहीं कैसा होता है नहीं पढ़ते दो बस अरे लोकसभा की बात ही राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है प्रत्येक दो वर्ष बाद उसके एक तिहाई सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो रही है एक तिहाई सदस्यता समाप्त होती है अगला देखिए 24 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है राज्यसभा के दो तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर क्या होता जी मजबूत होता है क्या होता मजबूत हो जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है लोकसभा राज्यसभा में एक बात का जो अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी जोधा प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से क्या ले तो राज्यसभा का प्रत्याशी समांतर वही होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा आगे देखा लोकसभा राज्यसभा में गणपति कितना दे सामने वही है कितना है बड़े गणपति के लिए आप कितना देते एक सरकार एक कितना देते सौ राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है किसी को नहीं नहीं राज्यसभा का सभापति कौन होता कितने ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति भी बने थे किस सदन में होता अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता राज्यसभा का देखा कितने क्वेश्चन को किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता तो राज्यसभा का राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है लोकसभा में राज्यसभा के सभी सदस्य राज्यसभा का सभापति लोकसभा में राज्यसभा के सदस्यों द्वारा क्या होता जी संयुक्त से चुना जाता निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता या तो का सदस्य द्वारा की जाती है राज्यसभा का राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है जी कौन करता है उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है राज्यसभा के सदस्य क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के लिए ऐसा करता है करता है जी नहीं संयुक्त अधिवेशन बुलाता को अध्यक्ष देता है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की योजना अधिसूचना कोई जारी करता है दिवस बदल निर्वाचन के लिए भाग कितना था बोले जो पद अच्छे विकास का था 24
चौबीस से चौबीस आगे देखना विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है कैसा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा स्वतंत्र भारत में जो था राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे बोले थे ऐसे कौन से जो था राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले उनको भारत रत्न मिला था संडे को तो ढाई दिन का रिविजन नहीं रहेगा
छठा जगह देखे रहे जे जे समझ के को बात अर्थो करा वाला को बात ऐसा समय सीखा तो नहीं लिख पाइएगा बोल
बोले ना बात तो जिस से बोले ना जब टारगेट दीजिएगा उस दिशा में स्पष्ट होगा भावित दीजिएगा कोई प्रश्न नहीं यशोदा दीजिएगा कोई प्रश्न नहीं भावित पति का यशोदा कदा यशोदा कदा यशोदा अपुष्टि पति का यशोदा अपुष्टि में कष्ट है तो जीवन में क्या होगा कष्ट होगा समझा उसको पर सही ना होगा तो अच्छे तरीके से टाइपिंग क्या कर रहे हैं तभी हिंदी टाइपिंग आप कर सकते हैं इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगा ग्रामर क्या रहेगा हिंदी में हम ना अब आगे देखना क्या आप देखिए देखिए इसमें लगा खुद का नाम राहुल खुद के साथ खुद आगे बढ़ रहे थे तो खुद दे हमें क्या पुत्री पुत्री का नाम क्या था अब ऐसा क्या सिद्धार्थ होता है जब कपिल वस्तु की जो स्वर पति थे क्या देंगे चार मनुष्य को देंगे एक बड़ा व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति सब आवास व्यक्ति बीमार व्यक्ति सब